कैरियर चूज करने की बात हो तो डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, डांसर, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। इन सब से हट के अगर हम आज बात करें तो आईएफएस कैसे बने, आईएफएस है क्या, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। आपने आईएएस और आईपीएस का नाम सुना होगा, उसी से रिलेटेड आईएफएस है। तो आईएफएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करें, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं और सैलरी कितनी होती है, कार्य क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है हमारे बेस्ट ट्रैक्टवेयर के यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। आईएफएस ऑफिसर को डिप्लोमैट्स और एम्बेसडर बोलते हैं। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की तरह आईएफएस ऑफिसर भी हमारे देश के टॉप ऑफिसर में से एक हैं। इनका काम देश के अंदर या बाहर जहां पर भी इनकी पोस्टिंग हो वहां रहकर देश के विदेशी मामलों को हैंडल करना होता है। उनकी पोस्टिंग या तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इमेजिंग ऑफ इंडिया यानी कि विदेश मंत्रालय की होती है, दूसरे देश में भारत के इमेजिंग या दूतावास वहां पे आती है। बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके साथ ही अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दोस्तों, हर साल यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, जिसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी कहते हैं, जो कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और अन्य एग्ज़ाम्स को भी बहुत सारी सेंट्रल अपॉइंटमेंट होता है। फरवरी और मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीज़न जो इंडिया, नेपाल और भूटान के हैं, वे नागरिक इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या वे ग्रेजुएशन ने फाइनल ईयर में हो, वे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एज कम से कम 21 और अधिकतम 32 होनी चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप जो बिलोंग करते हैं उसमें मैक्सिमम एज में कुछ छूट होती है। अब कैसे अप्लाई करें उसे जान लेते हैं। इसका नोटिफिकेशन आता है फरवरी और मार्च में। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्स पैटर्न की बात करते हैं तो यह 3 स्टेज में होता है, प्री एग्ज़ाम्स, मेन एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू। तो प्री एग्ज़ाम्स 2 पेपर में होते हैं और दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सोसाइटी, साइंस एंड टेक्निकल और करेंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, ये जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, इसी में से जो आपके मार्क्स आते हैं उसी के बेसिस पर आपको एग्ज़ाम्स के अगले स्टेज पे मेन यानी कि मेंस में एंट्री मिलती है। दूसरा पेपर जो होता है उसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेपर को जो मार्क्स हैं वे मेंस में बैठने के लिए काउंट नहीं होता है, लेकिन इस पेपर में आपको लगभग 35-40% मार्क्स लाना पड़ता है। जो प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं वे मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्री के बाद आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाते हैं, उसमें जो अलग अलग सर्विसेज नोटिफिकेशन के लिए प्रेफरेंसेस भराई जाती हैं, पहले नंबर पे कौन से सर्विस को चाहते हैं, दूसरे पे कौन से, तीसरे पे कौन से, वैसे ही एक नंबर देना होता है। अब मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें 9 पेपर होते हैं जो कि सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, उसके 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, उसके 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। पहला एथिटिक्स यानी कि नैतिकता का होता है, सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं, एक पेपर हिंदी का, एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक पेपर एसे का होता है।
जो लोग मेंस क्लियर करते हैं उन्हें इंटरव्यू देना होता है, साथ ही उनकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। कैंडिडेट जो भी रैंक आती है, साथ ही डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने अलग अलग सर्विस के लिए परफॉर्मेंस भरे हैं, उनके हिसाब से उन्हें सर्विस अलाउड किया जाता है। दोस्तों, जो IAS, IPS, IFS ये टॉप मोस्ट होती है, इसकी जॉब परफॉर्मेंस ऑर्डर होती है 1, 2, 3 ऐसा ही कुछ। अगर ये सर्विस चाहिए आपको तो रैंक को 100 से 150 तक होनी चाहिए। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है, उनके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में अंडर भारत के एम्बेसीज हैं, उन्हें अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग मिल जाती है। अब आपको बता दें कि ये बात हो गई IFS बनने की, और अब जान लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर इंडिया के पोस्टिंग होती है इंडिया में तो अप्रॉक्स 80K निर्धारित होती है, और अगर अदर काउंट फॉरन में अगर पोस्टिंग होती है तो 1500 टू 2000 डॉलर तक मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो के लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगले वीडियो आपके किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।